नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना तू निकल घर से मंजिल मिलेगी ढूंढते ही सही तू निकल घर से मंजिल मिलेगी ढूंढते ही सही अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई प्रदीप सर पर और इस टाइम बच्चों के दिमाग में एक भ्रांति बनी हुई है और बनना भी लाजमी है क्या आने वाली 26 तारीख को हरियाणा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा या नहीं होगा और प्यारे बच्चों आपने सुना होगा बहुत से मतलब ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं कि 26 तारीख को एग्जाम में ना हो और मैं उनसे पूछना चाहता हूं एक ही सवाल है मेरा उनसे कि आप ज्ञापन सौंप रहे हो और आप चाहते हो कि हरियाणा पर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम ना हो तो उन बच्चों का क्या होगा जो कब से तैयारी करते आ रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप है ना निरंतर यही तैयारी करनी है कि 26 को एग्जाम होगा इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है और हो सकता है एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए ना हो लेकिन मैं कहता हूं एग्जाम होना चाहिए मैं इसके पक्ष में हूं और बहुत से ठीक है ये तो एच को पहले डिसाइड करना चाहिए कि मैं 26 को एग्जाम ले रही हूँ उस दिन कोई एग्जाम क्लेश हो रहा है या नहीं हो रहा अब चाहे रीट का एग्जाम हो प्यारे बच्चों चाहे पंजाब में वो एग्जाम हो चाहे डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो चाहे कोई ट्यूटोरियल आर्मी का एग्जाम हो या कोई बोर्ड एग्जाम हो अब कैसे करके अगर वो एग्जाम आगे नहीं जा रहे हैं तो हमारा एसआई आई वाला एग्जाम आगे क्यों जाए अब कुछ बच्चे हो सकता है मेरे वीडियो से नाराज भी होंगे कि सर हमने चार चार फॉर्म भर रखे हैं तो बेटा मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि कि आपका जो फॉर्म आपको लगे कि जिसको हरियाणा सब इंस्पेक्टर में लगना है तो आपको रीड से क्या मतलब है भाई इनका तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है अगर आपको टीचर लगना है तो आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम ही मत दो ना आप रीड का एग्जाम दे लो तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपको एग्जाम किस चीज का देना है आप जब तक मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कि वेदर यू गो फॉर रीट और हरियाणा सब इंस्पेक्टर आपको मेंटली जब तक प्रिपेयर नहीं होगे ना और मैं ये जितने भी है ना मतलब आज आपने सोना होगा कि कांग्रेस ने या किसी भी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है कि इस दिन एग्जाम ना हो या कोई कोई भी मतलब आवाज उठा रहा है कि एग्जाम नहीं होना चाहिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं एग्जाम इसी तारीख को होना चाहिए अगर इस तारीख को एग्जाम नहीं हुआ ना छब्बीस तारीख को फिर बच्चों का ना इतना मनोबल टूट जाएगा जो सब की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी ही छोड़ देंगे कितनी बार यार से मैं पूछना चाहता हूं कि हद होती है पहले तो आपको ना प्रॉपर एक अगर 26 को कह दिया ठीक है 26 को एग्जाम ले लो या तो कोई डिसीजन लेने से पहले हमें सोचना चाहिए अगर हमने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद हमें उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए आपकी भी बच्चों क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना मैं हो सकता है कई बच्चों के जिनके तीन या चार एग्जाम है वो मेरे को ना डिसलाइक करे कोई फर्क नहीं पड़ता जब है ना स्टूडेंट हित की बात होती है छात्र हित की बात होती है तो मैं बोलूंगा और इन संगठनों से या कोई टीचर भी कहता है कि एग्जाम नहीं होना चाहिए तो मैं उनको भी कहूंगा भाई जी ऐसी बातें नहीं है एग्जाम તે ટાઈમ પર 26 તારીખ કો હોના જોઈએ ઓર પ્યારے બચ્ચો આપ 26 કે હિસાબ સે હી ના एग्जाम કી તૈયારી કરના કી 26 તારીખ કો હી ક્યા હો આપકા एग्जाम હો કબ હો एग्जाम 26 તારીખ કો હી આપકા ક્યા હોના જોઈએ एग्जाम હોના જોઈએ અબ જિસકો રીટ કા एग्जाम દેના હે વો રીટ કા દે લે જિસકો ટીએ કા एग्जाम દેના હે વો ટીએ કા દે લે જિસકો ઓર ભી एग्जाम દેને હે તો વો દે લે ક્યોકી આપ જબ તક મેન્ટલી પ્રિપેર નહીં હો કે મે કિસ एग्जाम કે લિયે જાઉંગા તો કોઈ ફાયદા નહીં હે પ્યારے બચ્ચો મે તો तो 26 तारीख को और फीमेल कॉन्स्टेबल का 18 और 19 को एग्जाम होना चाहिए और फीमेल कॉन्स्टेबल और एसआई के लिए प्यारे बच्चों मेरी जरूरी सूचना है कि मैं 10 तारीख से ना बस आज ट्रीटमेंट आज और कल का और है 10 तारीख से ना मैं आपको ना रात 8 बजे से ना मैं आपके लिए लाइव क्लास है स्टार कर दूंगा और प्यारे बच्चों आज भी है ना सही सवा सात बजे आपको वीडियो मिलेगी डेली एक वीडियो डाल रहा हूं बच्चियां कह रही है सर लड़कों की फिक्र है तो वो पंद्रह दिन पंद्रह मेरा लड़कों के लिए तो नहीं थी ना आप सभी के लिए थी वो देखो ना वो देखना चाहते हो वो वो क्यों नहीं देख रहे देखिए प्यारे बच्चों सवा सात बजे डेली वीडियो आएगी और आठ बजे प्यारे बच्चों दस तारीख से स्टार्ट कर देंगे और दूरीना पर आपका दो सौ रुपए का हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का और दो सौ का ग्राम सचिव कनाल पटवारी का बेच चुहत्तर नौ सौ अठहत्तर फोर डबल जीरो फोर सेवन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो बेच के बारे में जानकारी और मेरी क्लास यहाँ पर आपको मिलती रहेगी कोई दिक्कतें नहीं है प्यारे बच्चों मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेहनत करो और एग्जाम है ना ये मान के चलो इसी तारीख को आपका क्या होगा एग्जाम होगा और कुछ नेगेटिव लोग तो ये भी कहेंगे कि मतलब एग्जाम सर को अपने कोर्स बेचने हैं बच्चों कोर्स से मतलब नहीं है कोर्स मत लो आप मेरा कोर्स मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको जिसका लेकर है, तो है, ले आते हैं ताकि इससे कोई मतलब हम सरूर गुरुकुल में कुछ राशि लगा सके या कहीं पर फ्री लाइब्रेरी खोल सके तो हमारा यह मकसद हमेशा चलता आया है और चलता रहेगा हमें नेगेटिव लोगों से फर्क नहीं पड़ता हमें फर्क पड़ता है कि हमारे चाहने वाले कितने हैं तो प्यारे बच्चों मैं कहता हूँ और आपकी क्या राय है 26 को एग्जाम होगा या नहीं होगा मैं तो कहता हूँ एग्जाम होगा और आपको 26 के हिसाब से तैयारी करना है आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट करके जरूर बताना धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत